वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है आप लोग स्वस्थ भी होंगे, अब मेंटली रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो कौन सा बुक हम पढ़ा रहे थे? इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस पढ़ा रहे थे, जिसका राइटर कौन है? ग्रांट टेलर है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे, कन्वर्सेशन ए हो गया था। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ अ कन्वर्सेशन ए। अब आते हैं कन्वर्सेशन बी पे, ठीक है। तो कन्वर्सेशन बी में हम लोग देखते हैं व्हाट हैव यू बीन लेटली, क्योंकि इसमें जब भी होगा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन पूछेगा। कन्वर्सेशन में हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से, यानी फर्स्ट पर्सन कुछ पूछेगा तो सेकंड पर्सन रिप्लाई करेगा, जब सेकंड पर्सन कुछ बोलेगा फिर फर्स्ट पर्सन कुछ बोलेगा, तो उस तरीके से सेकंड पर्सन रिप्लाई करेगा। तो वहाँ पे इसी तरीके से हम बांट दिए हैं, पी वन मीन्स फर्स्ट पर्सन, पी टू मीन्स सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन पूछते हैं वेयर हैव यू बीन लेटली, लेटली मीन्स यहाँ क्या होता है, इन दिनों, आप इन दिनों कहाँ थे, नजर नहीं आ रहे थे। जैसे अक्सर दोस्तों में हम लोग देखते हैं मुलाकात होती है, कोई दोस्त क्या था गायब रहता है अक्सर, ठीक है। तो या कुछ दिनों तक नजर नहीं आता है तो बेचैनी लगती है कि आखिर दोस्त चला कहाँ गया है। तो फिर मुलाकात होती है तो पूछते हैं वेयर हैव यू बीन लेटली, आप इन दिनों कहाँ थे। अब नेक्स्ट में देखते हैं आई हैव बीन बिजी विद एक्स्ट्रा वर्क, यानी अदर पर्सन क्या कर रहा, रिप्लाई कर रहा, क्या रिप्लाई कर रहा, आप, ये क्या हो गया, आप हो गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। जब क्या होता है आई प्लस हैव, ये जब दोनों ऐड हो जाता है तो एक नया वर्ड बनाता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं हैव, ठीक है। यानी आई हैव का क्या है, तुम्हारा आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया आई, आई बीन बिजी विद एक्स्ट्रा वर्क, इसे आप पढ़ रहे हो। तो आई बीन बिजी विद एक्स्ट्रा वर्क मीन्स क्या हो गया, मैं एक्स्ट्रा कामों में उलझा हुआ था। अब फिर फर्स्ट पर्सन पूछेगा आप, यहाँ पे भी सेम है, इसी तरीके बताया गया आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू, हाँ मुझे भी बहुत सारा काम करना था। यानी सेकंड पर्सन भी क्या बोल रहा है, पहला तो फर्स्ट पर्सन पूछता है कि आप इन दिनों कहाँ थे, तो सेकंड पर्सन रिप्लाई करता है कि मैं एक्स्ट्रा काम में उलझा हुआ था या फिर बिजी था। अब फिर फर्स्ट पर्सन पूछता है फिर क्या कहेगा वो, आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू, मुझे भी बहुत सारा काम था, मुझे भी बहुत सारा काम था। तो अब फिर अगला पर्सन पूछ रहा है, यानी अगला फ्रेंड, अब पर्सन भी मान सकते हैं, फ्रेंड भी मान सकते हैं, यस आई हैवंट सीन यू फॉर क्वाइट अ वाइल इधर, ठीक है। या आपका एक ही मीनिंग देगा, ठीक है, आई हैवंट सीन यू, आई हैवंट। अब यहाँ पे हैवंट का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, जब हैव प्लस नॉट, जब मिल के एक नया वर्ड तैयार होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैवंट कहते हैं, ठीक है। तो यानी हैव प्लस नॉट हो गया, यानी हैव शॉट नॉट, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैवंट पढ़ेंगे। यस आई हैवंट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल इधर, ओ इसीलिए मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देख रहा था ना, मैं तो गायब था ही, तुम भी पूरे गायब थे, इसलिए मैं कभी बेगाड़ी करने के लिए निकलता था तो फिर तुम भी नजर नहीं आते थे, लगता तुम्हें भी बहुत सारा काम था ना, तो वो क्योंकि वो काम बता दिया ऑलरेडी। तो ये समझ में आ गया, सारा क्लियर हो गया कन्वर्सेशन बी। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट है, कि आपको क्या करना होगा, एक दोस्त को पकड़ना होगा, एक दोस्त को नहीं है तो किसी के घर का ब्रदर का सिस्टर को किसी को पकड़ना होगा, तब पी वन यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से रह करके इसको बातचीत करना होगा, तो समझने में बड़ा आसानी होगा। एक बच्चा कमेंट में लिखता है कि सर हम इसको पूरा पढ़े लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, पूरा बुक भी पढ़ लिए तो भी उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना कुछ रूल होता है, ठीक है, कुछ पढ़ने का तरीका होता है। तो आपको क्या होगा, क्या करना होगा, आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के थ्रू ढूंढना ही होगा। यानी अगर दूसरा दोस्त है, दूसरा दोस्त को लाना होगा, या फिर किसी दोस्त को नहीं तो किसी कज़न ब्रदर को ला सकते हैं, कज़न सिस्टर को ला सकते हैं, यानी किसी न किसी का आपको सहारा लेना होगा इसमें। ऐसा नहीं कि खुद आईना के सामने भी, आप मिरर के सामने भी खड़ा होकर बोल सकते हैं व्हाट हैव यू बीन लेटली, आई हैव बीन बिजी विद एक्स्ट्रा वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू, ओ यस आई हैवंट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल इधर। तो ये सारा मीनिंग समझ में आ गया, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट हैव यू बीन लेटली मींस फर्स्ट पर्सन बोल रहा है कि आप इन दिनों कहाँ थे, लेटली मींस इन दिनों, लेट मतलब समझ लेना कि लेट मतलब क्या होता है, लेट से। अब सेकंड पर्सन क्या कहता है, आई हैव बीन बिजी विद एक्स्ट्रा वर्क, हाँ मैं क्या था, एक्स्ट्रा काम में उलझा हुआ था। इसको क्या करना, एक्सप्रेशन के हिसाब से निकालना, ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन कर देना। ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आप कभी भी जिंदगी पूरा बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसलेशन नहीं बल्कि एक्सप्रेशन लाना लैंग्वेज में, ठीक है। एक लैंग्वेज क्या होता है, इज नथिंग बट द ओवरवेलिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो आई हैव बीन बिजी विद एक्स्ट्रा वर्क, फिर फर्स्ट पर्सन पूछ रहा है आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू, सो पूछ नहीं था बता रहा मुझे भी बहुत सारा काम था। फिर सेकंड पर्सन होता है ओ आई हैव, यस आई हैवंट सीन यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल इधर, इसलिए मैं भी आपको इन दिनों देख नहीं पाया था ना, तुम भी बहुत बिजी थे। तो ये समझ में आ गया फोर लाइन। अब कन्वर्सेशन सी में हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरह से बातचीत किया जाता है, फिर हम एक वर्ड को किस तरीके से, जैसे वेयर हैव यू बीन लेटली, इसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं ये बताएंगे, ठीक है, कि आप इस सेंटेंस को हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने का तरीका क्या होता है, बहुत सारा होता है, एक तरीके से हम लोग बोलते नहीं हैं। अब जिस तरीके से आपके लैंग्वेज में बढ़ोतरी होती चली जाएगी उस तरीके का तरीका भी पढ़ता चला जाएगा। अब तरीका कब पड़ेगा, जब आप सीखेंगे तो। सो थैंक यू सो मच, तो आपको समझ में आ गया होगा।